राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति द्वारा पूर्णिमा के दिन राप्ती कॉम्प्लेक्स पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस बारे में राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव ने बताया कि राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के द्वारा साल में दो बार भंडारे का आयोजन किया जाता है। हर साल नवरात्र में रामनवमी के दिन भंडारा किया जाता है, लेकिन मौसम खराब हो जाने से पूर्णिमा के दिन भंडारा किया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे कॉम्प्लेक्स के व्यापारियों के सहयोग से करीब 15 वर्षों से भंडारे का आयोजन होता है। उन्होंने कहा कि इस भंडारे की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था, लेकिन समय व्यस्त होने के कारण नहीं आ पाते हैं, लेकिन उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ हमेशा रहता है। उन्होंने कहा कि इस भंडारे में 3,000 से 3,500 लोगों को भोजन कराया जाता है। इस अवसर पर राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष हनुमान सिंह बघेल, कोषाध्यक्ष सूरजनाथ गुप्ता, संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव, अनिता अग्रवाल, अरुण सरावगी, आनंद कुमार त्रिपाठी, मणिनाथ गुप्ता, केशव वर्मा, रमेश गुप्ता, रोहित गुप्ता, विशाल सिंह, रूपेश कश्यप, प्रशांत त्रिपाठी, रत्नेश गुप्ता, गोलू यादव, सुधीर सिंह, दयाशंकर गुप्ता, सुमित आकाश गुप्ता, लक्ष्मण, मुन्ना सिंह, पंकज सिंह, मोहम्मद रईस, डॉक्टर महेंद्र प्रताप सिंह, अंबरदीप आर्या, रोली पाठक, प्रिंस चौहान आदि उपस्थित थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राप्ती कॉम्प्लेक्स के मेंटेनेंस प्रभारी, राज उत्सव एवं राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के संयोजक विनोद प्रताप गोविंद राव ने कहा, ृंदनारायणाय नमः हस्तक्षारषिकेशाय नमः। बोलने के हाथ जोड़िए। शिनो बृहस्पतरोदधातोऽन्ये भद्रं कर्णे विष्णुयाम देवा भद्रं पश्यमनो यन्ती प्राणजता जरदन्तानां महापुत्रा सुजत पितरो भवन्ति मानो ಮಧ್ಯಾಂಗೇಂದ್ರಿಕ್ಷಮಿಮಾತಾಂಗೇಂದ್ರಿಕ್ಷಮಿಮಾತಾಂಗೇಂದ್ರಿಕ್ಷಮಿ ತದೇವರವಿನಂ ಸುಗ್ರಂ ತದೇವಂ ತಾರಾಬಲಂ ಚಂದ್ರಬಲಂ ತದೇವಂ ವಿದ್ಯಾಬಲಂ ತದೇವಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಪತಿಮದಾತ್ರೀವಿದ್ಯಾರೋಪರು ಪ್ರಭಾದೇತರು ಮಧುರೆ ನಮ ಅನನ್ಯಾನ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಡುಗಳು ಸಮಪ್ರವಾದಿಯ ವಿಘ್ನಂ ಕುರುವೆ ದೇವ ಮನುಷ್ಯ ದೇವತಾಭ್ಯನ ಮಾತ್ರ ದೇವತಾಭ್ಯನ ಮಾತ್ರ ಅಧಿಪತಯೈ ನಮಃ। माता जी का ध्यान कर लीजिए। ओम खड़गं चक्र गदे सुताप परिघाहिकं जय नमस्ते कपिते धरं घंटासुर आदनं सुरं भासुधरसने तुलभूतिं हर्षै प्रसन्नेनाशायकं हस्ताब्ज धना पूर्वा मंत्र सरस्वती मनव रक्तांबोज वराभिरामयिनं महेन्द्रांगुल वान्मति दोषहमुनीं कैलावती साध्य दरबार की जय। हर हर महादेव। Thank you.
राज उत्सव। किस तरह के आयोजन किया जा रहा है? ये भंडारे का आयोजन हमारे यहाँ प्रतिवर्ष होता है दोनों नवरात्र में, ये 15वां साल है लगातार और सबके सहयोग से हो रहा है। 15 साल हो गए लगभग। कितने श्रद्धालुओं के यहाँ? कम से कम 4000 से 5000 लोगों के का भंडारा होता है। मेरा नाम विनोद प्रताप गोविंद राव, संयोजक राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति। किस तरह का आयोजन? ये राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति की तरफ से हर वर्ष में दो बार जो है इस भंडारे का आयोजन किया जाता है और इस वर्ष जो है थोड़ा सा विलम्ब हो गया पानी की वजह से, इसलिए आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जा रहा है। इसमें पूरे कॉम्प्लेक्स के लोग इसका आयोजन में हिस्सा लेते हैं और सभी का सहयोग से ये आयोजन होता है हर साल। ये करीब 15 वर्षों से लगातार हो रहा है और इसका प्रथम वर्ष जब हम लोग ने किया था, इसका शुरुआत किया था, तो उस समय माननीय योगी आदित्यनाथ जी हमारे सांसद महोदय भी इसमें आए थे। इस समय समय भाव के कारण वो हम लोग के साथ नहीं आ पाते हैं, लेकिन वो हमेशा आशीर्वाद उनका हम लोग के साथ रहता है। जी कितने श्रद्धालु जी कितने श्रद्धालुओं यहाँ के? करीब 3000 से 3500 आदमियों को हम लोग प्रतिवर्ष भोजन कराते हैं।